जय हिंद दोस्तों। पीएम किसान भाइयों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जिन किसान भाइयों का सिलीना 6,000 रूपए आता था, अब बढ़ोतरी किया गया है सरकार के द्वारा, यानी 8,000 से 9,000 आपका आ सकता है इस बार। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपका पहला किस्त जो भी आता था 2,000 आता था, लेकिन इस बार जो है आपको 3,000 रूपए देखने को मिलेगी, ऐसा अपडेट आ रहा है। अभी मैं आपको लाइव न्यूज दिखाऊंगा, तो भाई आप लोग बने रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भाई पीएम किसान वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। एक एक स्टेप में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो भाई आप लोग बने रहेगा। तो जितने भाई पीएम किसान वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, यानी इलेक्शन के पहले जो है आपको 3,000 रूपए किस्त वाइज देखने को मिल सकती है, यानी 9,000 रूपए आपको इस बार हो सकता है आए, यानी फरवरी से चालू हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए, चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं भाई आपका कितना पैसा आएगा इस बार, तो क्या है पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग बने रहिए, चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिल सकते हैं 12,000। मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, उन्होंने अतिरिक्त लाभ। उसके बाद देखिए, रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रूपए से 9,000 रूपए कर सकती है। वही महिला किसानों को 1,000 रूपए से 12,000 रूपए देने की चर्चा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल बजट में किसानों का बड़ा तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा सकती है। मौजूद समय में देश के 11 करोड़ किसानों को 6,000 रूपए मिलता है। सरकार 2,000 रूपए 3 किस्त जारी करती है, अब इसे बढ़ाकर 12,000 रूपए तक करने की तैयारी में है। इन किसानों को मिल सकता है ज्यादा पैसा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 रूपए से 9,000 रूपए कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार 2,000 रूपए की 4 किस्तें या फिर 3,000 रूपए की 3 किस्तें किसानों के खाते में इस योजना के तहत भेजने की तैयारी में है। सरकार महिला किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10,000 रूपए से 12,000 रूपए तक भेज सकती है। अब तक खाते में भेजे गए 2.8 लाख करोड़ रूपए। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2019 के आम चुनाव से पहले इस स्कीम का ऐलान किया था। अब तक मार्च के पहले हफ्ते में इसे किसानों के खाते में भेज दिया गया था। सरकार के लिए यह योजना उस समय काफी कारागार साबित हुई थी। पिछले 5 सालों में सरकार ने 15 किस्तों के जरिए किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। तो फिलहाल दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है 6,000 के बजाय 9,000 इस बार मिलेंगे, तो इस बार हो सकता है कि जो पेंशन है पीएम किसान का वो बढ़कर के आए, यानी 3,000 2,000 के बजाय 3,000 हो सकती है महिलाएं के लिए और मिल सकती है। तो इस बार जो भी अपडेट आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।